नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। गैंगस्टर केस में एनआईए की कई जगह पर छापेमारी हुई है। बड़ी खबर आपको बता दें गैंगस्टर को लेकर, जहां पर गैंगस्टर केस में एनआईए की बड़ी छापेमारी हुई है और कई जगह पर छापेमारी की गई है और गैंगस्टर के 50 से ज्यादा ठिकानों पर एनआईए का छापा पड़ा है। बताते चले कि 6 राज्यों में गैंगस्टर के ठिकानों पर एनआईए का छापा पड़ा है। दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा में एनआईए का छापा पड़ा है। बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करवा दें, बम्बीरा और बिश्नोई गैंग के ठिकानों पर छापा मारा गया है। गैंगस्टर केस में एनआईए की कई जगहों पर छापेमारी की गई है। बड़ी जानकारी आ रही है सामने, जहाँ पर बताया जा रहा है कि बम्बीरा और बिश्नोई गैंग के ठिकानों पर बड़ा छापा पड़ा है। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जम्मू कश्मीर से। आपको बता दें कि बड़ी खबर सामने आई है जम्मू कश्मीर से, जहां पर 72 घंटे के अंदर शॉपिंग में फिर टारगेट किलिंग। बता दें आपको कि शोपिया में बड़ी टारगेट किया गया है, टारगेट किलिंग की गई है। 72 घंटे के अंदर शोपिया में टारगेट किलिंग किया गया है। आतंकियों ने 2 गैर कश्मीरी मजदूरों की हत्या कर दी है। बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करवा दें, यूपी के कन्नौज के रहने वाले दोनों मजदूर बताए जा रहे हैं। ग्रेनेड फेंकने वाला लश्कर आतंकी भी गिरफ्तार हो चुका है। बड़ी जानकारी आ रही है, आपको बता दें कि जहां पर 2 मजदूरों की बात हो रही है और हत्या का मामला सामने आया है, 2 मजदूरों की हत्या कर दी गई है। आतंकियों ने 2 गैर कश्मीरी मजदूरों की हत्या कर दी है। बड़ी जानकारी आ रही है जम्मू कश्मीर से। एक और बड़ी खबर बता दें जम्मू कश्मीर से, जहां पर पुलवामा में एसआईए की छापेमारी की गई है। बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करवा दें, पुलवामा में एसआईए की छापेमारी की गई है। टेरर फंडिंग केस में ही एसआईए की छापेमारी की गई है। सुबह से ही सर्च ऑपरेशन जारी है, लगातार अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है, जहाँ पर पुलवामा में एसआईए की छापेमारी की गई है। टेरर फंडिंग केस में एसआईए की छापेमारी की खबर सामने आ रही है। सुबह से ही सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।